Uh, बच्चों uh, किसी रियल वैल्यूड फंक्शन वास्तविक फलन uh, के बारे में आप जानते हैं कि uh, जो फलन है वास्तविक फलन है प्रत्येक वास्तविक फलन y इक्वल टू एफ एक्स अपने डोमेन प्रांत एक्स के किन्हीं बिंदुओं पर संतत तो हो सकता है लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वह उन बिंदुओं पर अवकलनीय हो और आपने जैसे कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे तो जैसे आपने देखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक फंक्शन है मापांग फलन है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इसके डोमेन एक्स के बिंदु एक्स पर वो संतत तो है मॉड फंक्शन परंतु इस बिंदु एक्स बराबर जीरो पर अवकलनी नहीं है इसकी गणितीय प्रक्रिया इसकी जांच जो है काफ़ी विस्तृत होती है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों आप ग्राफ से आ, इसको पहचान सकते हैं यहाँ आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है एक मापांग फलन है मापांग फलन में x बराबर जीरो पर एक कोना बन रहा है तो किसी भी फंक्शन रियल रियल वैल्यूड फंक्शन वास्तविक फलन के ग्राफ को यदि हम खींचते हैं उसके डोमेन के किन्हीं बिंदुओं पर तो ऐसा बिंदु जहाँ पर उस ग्राफ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मापांग फलन में एक कोना बन रहा है एक्स बराबर जीरो पर मूल बिंदु पर आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर तो जिस फंक्शन के ग्राफ में यदि कोना बन रहा है नोक बन रही है तो हम डायरेक्ट उस बिंदु को चयनित करके ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर वो फंक्शन संतत तो है लेकिन अवकल नहीं होगा इसी तरह से और भी फंक्शन के ग्राफ पर आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर आप जैसे देख रहे हैं कि वाई इज ईक्ल टू एफ़ एक्स इज ऑक्ल टू मॉड ऑफ़ साइन एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो आपको मालूम है कि साइन का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो साइन ज़ीरो जीरो होता है साइन पाई बाई टू वन होता है साइन पाई ज़ीरो होता है और साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन होता है और साइन टू पाई ज़ीरो होता है तो इस तरह से साइन कर्व को हम खींचते हैं तो उसका जो रेंज है कभी प्लस वन पाई बाय टू पर और पाई थ्री पाई बाय टू पर आप उसकी वैल्यू माइनस वन देख रहे हैं ये जो ग्राफ है वो एक्स का है यदि हम मॉड एक्स का ग्राफ समझना चाहते हैं बच्चों तो डॉट डॉट में जो हमने दिखाया है वो मापांक मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है अब बच्चों ये जब मॉड ऑफ साइनेक्स का ग्राफ हमने आ, देख लिया जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो एक्स बराबर पाई पर यदि विचार करें तो आप देखिए वहाँ भी कोना बन रहा है बच्चों इस बात पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत काम आएगा कि ग्राफ से ही हम आ, उस बिंदु को देख रहे हैं एक्स बराबर पाई पर मॉड साइनेक्स का आ, ग्राफ में हम देख रहे हैं कि वहाँ कोना बन रहा है तो उस कोने वाले बिंदु पर आ, एक्स बा पाई पर मॉड x जो है वो संतत तो है कंटिन्यूस तो है लेकिन अवकलनीय नहीं होगा बच्चों तो हम ग्राफ से आ, हम सीधा चैनीज ये बता सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो संतत है या अवकलनीय है और संतत के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए खींच सकते हैं जैसे मॉड फंक्शन का तो वो एक्स के सभी बिंदुओं पर संतत है ऐसे ही एक्स का ग्राफ यदि हम खींचते हैं तो वो बिना पेन उठाए उसका ग्राफ हम विभिन्न बिंदुओं पर खींच सकते हैं तो वो उन डोमेन के उन बिंदुओं पर संतत है और मॉड uh, जैसे साइ मॉड साइनेक्स का भी ग्राफ हम देख रहे हैं कि बिना पेन उठाए खींच सकते हैं तो बिना पेन उठाए यदि हम खींच सकते हैं तो उन बिंदुओं पर डोमेन के उन बिंदुओं पर वो मॉड साइनेक्स जैसा फंक्शन संतत तो है लेकिन यदि कोना बनता है एक्स बराबर पाई पर एक्स बराबर टू पाई पर आ, इसी तरह से एक्स बराबर माइनस पाई पर यदि मॉड साइनेक्स का हम कोना देख रहे हैं ग्राफ में तो हम कह सकते हैं कि इन बिंदु पर हम बिना पेन उठाए ग्राफ इसका खींच सकते हैं तो संतत तो है लेकिन वो कोना बनने के कारण हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं बच्चों कि एक्स वावा पाई पर मॉड साइनेक्स अवकलनी नहीं है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि खुद आप महसूस करेंगे कि आ, अभी मैं इस बात को आपको सामने स्पष्ट करूंगा कि मैथमेटिकल विवेचना मैथमेटिकल इंटरप्रटेशन काफ़ी लंबा जाता है तो ग्राफ का स्टडी करने से uh, हम uh, बहुत जल्दी uh, नतीजे पर पहुंच सकते हैं उससे आपका टाइम मैनेजमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चयनित करना होता है तो ये अच्छी बात है कि आप ये सीख लें कि जिस ग्राफ का uh, में यदि कोना बनता है तो उस बिंदु पर जैसे मॉड एक्स में एक्स बाबा जीरो पर कोना बन रहा है मॉड साइन एक्स में एक्स बाबा पाई पर कोना बन रहा है टू पाई पर कोना बन रहा है माइनस पाई पर कोना बन रहा है तो इन बिंदुओं पर फंक्शन संतत तो है लेकिन अवकलनी नहीं, नहीं है कॉर्नर बन रहा है कोना बन रहा है नोक बन रही है तो इन बिंदुओं पर संतत है लेकिन अवकलनी नहीं होगा अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राफ से हम बड़े आसानी से ये डिसीजन ले सकते हैं लेकिन बारहवीं के बोर्ड एग्ज़ाम में हम इसको पहचान तो कर सकते हैं लेकिन हमको मैथमेटिकल पूरा एक्सप्रेशन से बात करना होगा तो चलो बच्चों इस पर हम चर्चा करके देखते हैं तो जैसे एक वास्तविक फलन है रियल वैल्यूड फंक्शन है y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन पहले मैंने mod x की बात की अब mod मान लीजिए mod x माइनस वन हो गया हो गया फॉर एवरी प्रत्येक के लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर इसके डोमेन x आप जानते हैं डोमेन x होता है कि प्रत्येक बिंदु पर यह फंक्शन mod x माइनस वन संतत है परंतु डोमेन एक्स बराबर एक के किसी बिंदु एक्स बराबर एक एक एक्स बराबर एक पर यह फलन वाई इज इक्वल टू तो एफ एक्स इज इक्वल टू तो मॉड ऑफ एक्स मन आ, एक्स माइनस वन आ, पर संतत् तो है परंतु इसी बिंदु एक्स बराबर एक पर अवकलनी नहीं, नहीं है तो ग्राफ पर आप देखिए ध्यान से तो अब आइए वास्तविक फलन वाई बराबर एफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल वैल्यू वाले फंक्शन का इस फंक्शन का ग्राफ खींच के देखते हैं तो एक्स बराबर जीरो एक्स uh, बराबर वन पर uh, बिंदु आप देख रहे हैं कि एक ए बिंदु है ए बिंदु से न, पर uh, y की वैल्यू जीरो होगी और x uh, x बराबर एक से ज़्यादा uh, पर uh, ये ग्राफ आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक से x बराबर एक से कम पर आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन यानि माइनस अंदर कर दें तो y बराबर माइनस एक्स प्लस वन तो ग्राफ में आप देख रहे हैं और बिंदु a पर a पर जिसका x क्वारिनेट x बराबर एक है इस बिंदु a पर हम ग्राफ को देखकर सीधा इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एक्स बराबर ए पर कौन सा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन यह फंक्शन एक्स बराबर एक पर संतत तो है कंटिन्यूस तो है लेकिन कोना बन रहा है तो मैं डायरेक्ट इस चित्र को देखकर ग्राफ को देखकर ये कह सकता हूँ कि एक्स बराबर एक पर ये पक्का एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स माइनस वन फंक्शन अवकलनीय नहीं है डिफ्रेंशियबल नहीं है अब ग्राफ का जो आप अध्ययन बच्चे कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है बच्चों की उसको मैथमेटिक्स की क्या की पूरी प्रैक्टिकल मालूम है आ, तो ग्राफ का अध्ययन जरूर बच्चों आप सीखिए डिफरेंट ग्राफ डिफरेंट फंक्शन के ग्राफ को जरूर देखिए तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वाईजल टू एफ uh, एक्स ग्राफ से आप ध्यान दें मॉड एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कब होगा जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो पॉजिटिव हो यानी एक्स ग्रेटर देन वन हो तो और जीरो कब होगा जब एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो हो uh, आप इक्वेशन नंबर एक में आप ध्यान से देखिए स्क्रीन में और मॉड एक्स माइनस वन बराबर माइनस ब्रैकेट में इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन है ये कब होगा जब x माइनस वन लेस देन जीरो हो इस एक्सप्रेशन को इस समीकरण को और सिंप्लीफाइड करने पर आप पाएंगे बच्चों कि y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन यदि ऊपर वाले समीकरण नंबर एक में एक को पक्षांतर करेंगे तो x ग्रेटर देन वन के केस में मॉड एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन होगा और यदि x बराबर एक होगा तो मॉड x माइनस वन जीरो होगा जो समीकरण नंबर दो में आपको नज़र आ रहा है और मॉड यदि x की वैल्यू एक से कम होगी तो मॉड x माइनस वन की वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस वन जो कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं ग्राफ में भी स्पष्ट है कि हम एक से ज़्यादा पर पॉजिटिव तरफ यदि हम जाते हैं तो y बराबर एक्स माइनस वन एक रेखा मिलती है ग्राफ में आप ध्यान से देखिए और एक से कम में हम जानते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स इन ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन मिलता है तो चलो बच्चों ठीक है ये ग्राफ की स्टडी आप समझ गए कि मॉड एक्स माइनस वन त्रिपलट नेचर का है तीन प्रकार की परिभाषा से परिभाषित है वो डोमेन के मान पर निर्भर करता है तो पहला काम करके देखते हैं बच्चों की जैसे कि मैंने कहा कि एक्स बराबर एक पर ये जो मॉड एक्स माइनस वन फंक्शन है वो संतत है इसकी जांच करके देखते हैं तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शन की हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे उस बिंदु एक्स बराबर एक पर और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु पर निकालेंगे यदि वो तीनों बराबर मिलती है तो हम इस नतीजे पे पहुंचते पहुंचेंगे बच्चों कि वह फंक्शन मॉड एक्स माइनस वन एक्स एक पर संतत है तो पहला एक्सप्रेशन पर ध्यान दें बच्चों कि अब फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के डोमेन एक्स के बिंदु एक्स बा एक पर एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट बाई और की लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू तो वन माइनस एफ ऑफ एक्स अब आप समीकरण नंबर दो में देखें स्पष्ट है मैंने उसको सिंप्लीफाइड करके बताया है कि वन माइनस लिमिट एक्स एक टेंडिंग टू तो वन के ऊपर माइनस पावर में है इसका मन, मतलब ये है कि हम एक से कम राशि से उस बिंदु पर पहुंचेंगे। एक से कम से हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे। तो एक से कम पर फंक्शन की डेफिनेशन समीकरण नंबर दो में स्पष्ट है कि यदि एक्स लेस देन वन है समीकरण नंबर दो को देखिए बच्चों वो है माइनस एक्स प्लस वन तो एफ एक्स के जगह लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस पावर में माइनस के केस में हम माइनस एक्स प्लस वन लिख रहे हैं अब आपको मालूम है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो लिमिट को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम कुछ मानते हैं तो आप देख रहे हैं बगल में कि माना x बराबर वन माइनस एच और चूंकि आपको मालूम है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं बिंदु x बराबर एक पर तो लिमिट x टेंडिंग टू तो वन माइनस एम्प्लाइज कर रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू तो जीरो प्लस निश्चित रूप से x टेंडिंग टू तो वन माइनस का मतलब एक से कुछ कम तो निश्चित रूप से h को जीरो से कुछ ज़्यादा होना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग तो जीरो प्लस का मतलब ये नहीं कि बच्चों की ये जीरो से ज़्यादा है मैं यहाँ ये कहूँगा इस पर ध्यान दीजिए कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जीरो प्लस का मतलब एक से ज़्यादा है ऐसा नहीं है हाँ वो जीरो की तरफ अग्रसर है लेकिन जीरो से ज़्यादा से हम एच की तरफ एच ज़ीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है तो फाइनली इनिशिय वैल्यू हम एच इज इक्वल टू ज़ीरो ही रखते हैं इसमें कोई शक नहीं तो इसको सिंप्लीफाइड करने पर आप देख रहे हैं कि एल एच एल इज़ इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस और एक्स के जगह क्या रखेंगे वन माइनस एच और बाहर माइनस है और प्लस वन इसको सिम्प्लीफाइड करने पर आप देख रहे हैं कि लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट ब्रेक करने पर माइनस वन और माइनस माइनस प्लस एच और वन 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 कैंसल आउट तो सिंप्लीफिकेशन आगे दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पर आप देखिए लिमिट एच एल एच एल एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच और मैंने जैसे कहा आपको कि एच टेंडिंग टू जीरो में पावर प्लस है तो जीरो से ज़्यादा से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो एच की वैल्यू ज़ीरो मिल गई है तो फाइनली रिजल्ट इक्वेशन नंबर तीन में आप देख रहे हैं कि एल एच एल आपको मिल रहा है जीरो तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि एल एच एल एक्स बराबर एक पर मॉड एक्स माइनस वन का लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है जो समीकरण नंबर तीन में आप देख रहे हैं स्क्रीन इसकी, पर आप ध्यान से देखें अब बच्चों आपको मालूम है कि जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली मॉड एक्स माइनस वन की तो अब इस फंक्शन फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज टू मॉड एक्स माइनस वन के डोमेन x के किसी बिंदु x बराबर एक पर आर एच एल राइट हैंड लिमिट कैसी होगी स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए लिमिट x टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स अब जैसे कि पहले जैसे बताया कि वन प्लस का मतलब वन के ऊपर पावर प्लस का मतलब है एक एक्स बराबर एक से ज़्यादा से हम बिंदु एक्स बराबर एक पर अग्रसर हो रहे हैं इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स और निश्चित रूप से समीकरण नंबर दो में आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए स्क्रीन में स्क्रीन पर कि एक्स ग्रेटर देन वन होने पर मॉड एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन है तो एफ एक्स के जगह हमें आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स के जगह मैं एक्स माइनस वन रख रहा हूँ जो समीकरण नंबर दो में स्पष्ट है कि एक्स ग्रेटर देन वन होने पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है अब बच्चों की जैसे कि फिर वही बात जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में किए थे कि लिमिट को सिम्प्लीफाइड सरल करने के लिए हम uh, ऐसा करते हैं तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों की माना एक्स बराबर वन प्लस एच वन प्लस एच इसलिए माना जाता है बच्चों क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस है एक से ज़्यादा है यह मान के चलेंगे कि एक्स टेंडिंग टू वन प्लस का मतलब एक से ज़्यादा से हम एक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो एच की वैल्यू निश्चित रूप से ज़ीरो से ज़्यादा होगी और हम एच के में जीरो की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं लेकिन जीरो से ज़्यादा से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इसलिए इसको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लिखते हैं तो बच्चों जैसे कि साइड में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्स बराबर वन प्लस एच है तो एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे आ, वन प्लस एच और माइनस वन तो है ही है और उसको सिंप्लीफाइड करने पर वन वन कैंसिल आउट तो आर एच एल राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच दिख रहा है तो फाइनली राइट हैंड लिमिट इसके दाई ओर की जो लिमिट uh, है सीमा है एक्स बराबर एक पर फंक्शन एफ एक्स इज इजिकल टू मॉड एक्स माइनस वन का वो जीरो मिल रही है जो समीकरण नंबर चार में है अब तीसरा काम बच्चों uh, करना होगा अपने को निश्चित रूप से कि एक्स बराबर एक पर फंक्शन y is equal to f x is equal to mod x minus one के डोमेन x के बिंदु x बराबर एक पर मान निकालने पड़ेगा यानी x बराबर एक हम इसमें रखेंगे तो समीकरण नंबर दो में देखिए कि mod x minus uh, one is equal to zero है जब x बराबर एक है समीकरण नंबर दो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों आप ध्यान से देखिए uh, x बराबर एक पर mod x minus one का मान जीरो है तो इसका मतलब एक्स बराबर एक रखा गया है जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन माइनस वन और वन माइनस वन जीरो ही होगा मॉड जीरो की वैल्यू जीरो होगी यानी कुल मिला के हमें एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो मिलेगा जो समीकरण नंबर पाँच में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो बच्चों समीकरण नंबर तीन चार पाँच आ, और को हम ध्यान से देखें स्क्रीन पे आप देखिए समीकरण नंबर तीन को चार को और पाँच को तो समीकरण नंबर तीन में x बावर एक पर फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट और समीकरण नंबर चार में फंक्शन इसी फंक्शन की मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की राइट हैंड लिमिट और समीकरण नंबर पांच में फलन का मान एफ आफ वन तीनों मान जीरो है तीनों मान समान है भले वैल्यू इसकी जीरो है लेकिन समान है तो अतः हम इस नतीजे पर हैं बच्चों कि uh, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन के डोमेन x के किसी बिंदु जो चयनित बिंदु है x बा एक पर फलन संतत है कंटिन्यूस है अब जैसे कि मैंने कहा कि ग्राफ में आप देखिए ध्यान से कि ये जो मॉड एक्स माइनस वन है इसके ग्राफ को यदि हम खींचते हैं तो बिना पेन उठाए खींच सकते हैं भले ही हमने जांच जरूर की है एक्स बराबर एक पर तो इस फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन जो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है उसको उसको उसके ग्राफ को हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं x तो के प्रत्येक बिंदु पर यह फंक्शन संतत है भले ही हमने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझाया और बहुत साधारण रूप से यदि हम बात करें जिस मैथमेटिशियन ने इस बात को सोचा होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि बिना पेन उठाए हम इस फंक्शन का ग्राफ हम खींच सकते हैं और जांच करने के लिए मैंने x बराबर एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो समान साबित करके ये निष्कर्ष पर मैं आपको पहुंचा के दिखाया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको दिखाया कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्ल टू मॉड एक्स माइनस वन एक्स बरा एक पर संतत है तो बच्चों इसी वास्तविक फंक्शन वास्तविक फलन रियल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ईक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का आप ग्राफ देख रहे हैं और उस ग्राफ में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि वो फंक्शन जो है वो एक्स बराबर एक पर संतत है क्योंकि हम बिना पेन उठाए उसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं लेकिन ग्राफ को आप ध्यान ध्यान से देखेंगे कि मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन के ग्राफ में एक्स बराबर एक पर एक कोना बन रहा है तो कोने ए, ए बिंदु पर कोना बन रहा है तो हम इस नतीजे पर ग्राफ को देखकर हम आ, सीधे कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इजल टू मॉड एक्स माइनस वन बिंदु एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है नॉट डिफ्रेंशियबल है एक्स बराबर एक पर केवल कोना देखकर लेकिन एग्जामिनेशन में हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आ, चर्चा करनी होगी तो बच्चों आप देखिए इसमें हम आ इस जानते हैं कि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनी है तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव उस बिंदु पर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल कॉफिशन उस बिंदु पर दोनों बराबर होना चाहिए तो पहला काम करके देखते हैं बच्चों कि वास्तविक फलन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉड एक्स माइनस वन के डोमेन एक्स के बिंदु एक्स बराबर एक पर आर डी राइट हैंड डेरिवेटिव इसको कोड में लिखते हैं बराबर आर एफ इन ब्रैकेट वन इसका मतलब है कि राइट हैंड डिफरेंशियल कॉपिशन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू डिफरेंशियल कॉपिशन की जो डेफिनेशन है परिभाषा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन तो पुराना जैसा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन के ऊपर पावर में प्लस लिखा है इसका मतलब एक से ज्यादा से हम एक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों इस राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आर एफ डे ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस के केस में एक्स ग्रेटर देन वन दिख रहा है और एक्स ग्रेटर देन वन समीकरण नंबर दो पर आप ध्यान दीजिए कि एक्स एक से ज़्यादा होने पर एफ एक्स के जगह हम एक्स माइनस वन रखेंगे और एफ ऑफ वन एक्स बराबर एक पर एफ ऑफ वन फलन का मान मॉड एक्स माइनस वन का मान समीकरण नंबर दो में देखिए जीरो है और अपॉन नीचे एक्स माइनस वन है अब इस आर एस डी इज इक्वल टू आर एफ डैस वन इक्वल टू लिमिट को सिम्प्लीफाइड करने के लिए हमें मानना पड़ेगा एक्स बराबर वन प्लस एच जैसे कि हम लिमिट को सरलतम रूप में करने के लिए ऐसा करते हैं तो एक्स के जगह जो वन प्लस एच लिखना पड़ेगा इसमें कोई शक नहीं बच्चों की लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस है तो एच का मान जीरो से ज़्यादा होगा आ, एच टेंडिंग टू तो जीरो प्लस लिखा है मतलब जीरो से ज़्यादा से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं लेकिन ये ध्यान रहे कि एच जो है जीरो की तरफ ही अग्रसर हो रहा है तो एक्स के जगह वन प्लस एच रखा है वन वन कैंसिल आउट तो ऊपर आपको एच मिल रहा है और नीचे भी हमने एक्स के जगह वन प्लस एच रखा है वन वन कैंसिल आउट तो एच अपॉन एच और इसको एच में एच का भाग देने पर हमको सिंप्लीफाइड हो के आर एच डी दिख रहा है आर एफ डैस ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस वन और चूंकि ये एच से विहीन है तो निश्चित रूप से जो आर एस डी होगा राइट हैंड डिफ्रेंसीबिलिटी एट द पॉइंट एक्स इज इक्ल टू तो वन इज इक्वल टू तो वन मिल रहा है जो समीकरण नंबर छः में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अब बच्चों चूंकि मैं समीकरण नंबर छः में राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफेस ऑफ वन निकाल लिया हूं जो समीकरण नंबर छः में है आप देख रहे हैं और वो वन है तो इसी वास्तविक फंक्शन का रियल वैल्यूड फंक्शन का वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्ल टू मोडस वन के डोमेन के बिंदु एक्सर एक पर एल एसडी निकालूंगा एल एस डी मतलब कोड है इक्वल टू आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एल एफडेस ऑफ वन लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस ऊपर माइनस पावर लिखा है इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं पढ़ने के लिए हम कहेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कॉफिशेंट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन और लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस का मतलब है एक से कम पर से हम वन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और डिफरेंशियल कोफिशंट की अवकल गुणांक की परिभाषा के अनुसार एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपन एक्स माइनस वन बिंदु एक पर अवकल अवकल गुणांक की बात की जा रही है बच्चों तो सिंप्लीफाइड होने पर आप देख रहे हैं कि लिमिट

ज़ीरो है और नीचे एक्स माइनस वन है तो सिंप्लीफाइड होके बच्चों आप देख रहे हैं आगे कि एल एच डी एल ऑफ एफ एफडेस ऑफ वन इज टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस और माइनस बाहर uh, अंदर करेंगे ब्रेकेट तोड़ेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और जैसे कि अपन लिमिट को सिम्प्लीफाइड करते हैं तो uh, एक्स को मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस के कारण एक्स बराबर वन माइनस एच मानना चाहिए और चूंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस है तो ए, एक से कम है एक्स का मान तो एच का मान ज़ीरो से कुछ ज़्यादा होना चाहिए तो एक्स के जगह हम वन माइनस एच रख रहे हैं तो माइनस बाहर है और वन माइनस एच रखा बच्चों और इसको सिम्प्लीफाई करने पर आप देख रहे हैं कि माइनस वन वन कैंसिल हो गया है So, LSD is equal to LF dash of 1 is equal to limit H tending to plus minus 1 plus H plus 1 upon minus H minus 1 1 cancel out. So, LSD left hand derivative uh, LF dash of 1 uh, left hand derivative differential coefficient at the point x is equal to 1 per limit H tending to 1 uh, 0 plus H upon uh, एच माइनस एच तो एच का एच से भाग देंगे तो वो आएगा माइनस वन तो आप सिंप्लीफाइड होकर स्क्रीन पर देखिए बच्चों ध्यान से कि ये एच से विहीन है तो एच टेंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब है वो जीरो से ज़्यादा से जीरो की तरफ ही अग्रसर हो रहा है तो इसकी जो लिमिट है एच के विहीन है इसलिए माइनस वन ही आएगी तो समीकरण नंबर सात में स्पष्ट है कि एल एस डी इज इक्वल टू एल एफ डस ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस वन जो समीकरण नंबर सात में है तो बच्चों समीकरण नंबर छह में आप देखिए कि आर एस डी आर एफ वन आपको वन मिल रहा है और समीकरण नंबर सात में आप देखिए कि एल एस डी एल एफ डेस ऑफ वन माइनस वन मिल रहा है तो वन और माइनस वन आपस में बराबर नहीं है तो समीकरण नंबर छः और सात से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आर एस डी इज नॉट इक्वल टू एल एस डी मतलब आर एडेस ऑफ वन इज़ नॉट इक्वल टू एल एडेस ऑफ वन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसा लिखेंगे और चूंकि आर एस डी नॉट इक्वल टू एल एस डी है वन इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन है चूंकि तो हम इस नतीजे पहुंचते हैं बच्चों कि समीकरण नंबर छः और सात से कि ये जो मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है जिसका ग्राफ भी आपने देखा ए बिंदु पर कोना बन रहा था आपने देखा वो बिंदु पर एक्स बावर एक पर मॉड एक्स माइनस वन अवकलनी नहीं है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा और आ, कोना भी देखा डायरेक्ट भी देखा कि वो अवकलनी नहीं है लेकिन उस बिंदु पर संतत है इस प्रकार हमने सीखा कि यदि कोई वास्तविक फलन उसके डोमेन एक्स के किन्हीं बिंदुओं पर Uh, संतत कंटिन्यूस हो तो हो सकता है कि वह uh, वह फंक्शन अवकलनी हो भी और नहीं भी हो सकता है तो प्रत्येक uh, uh, इस प्रकार से हम इस नतीजे पर पहुंचते बच्चों कि कोई भी फंक्शन प्रत्येक फंक्शन ज़रूर नहीं कि उस बिंदु पर वो संतत है तो अवकलनी हो और यह भी ध्यान रखें बच्चों फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर मैं आप पर जोर दे रहा हूं कि यदि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनीय है डिफ्रेंशियबल है तो यह निश्चित है कि वह फंक्शन उस बिंदु पर संतत होगा यानी उल्टा हम काम करेंगे तो यह पॉसिबल है कि अवकलनीय फलन संतत होगा ही यानी अवकलनीय सिद्ध करने के बाद हमें संतत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों जैसे कि लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक समरूप त्रिभुज जो होता है वो जरूरी नहीं कि सर्वांगसम हो लेकिन प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज है वो आ, वो समरूप होगा ही तो यहाँ पर उसको कोरिलेट करके आप समझेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा और ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन उस बिंदु पर संतत होगा लेकिन प्रत्येक संतत फलन उस बिंदु पर संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो उस बिंदु पर अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो बच्चों आप मुझे ये स्पष्ट हो गया है मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत मज़ा आया होगा और आपने समझ लिया होगा कि हम अवकलनीयता के बारे में आपने जानकारी ली और ये जाना कि प्रत्येक संतत फलन आवश्यक नहीं कि उस बिंदु पर अवकलनी हो लेकिन प्रत्येक अवकलनी फलन उस बिंदु पर संतत होगा ही